सिकंदर पर साहब, चेयरमैन ने तो फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था, आप नहीं गए, इकबाल कासिम नहीं गए, मोइन खान नहीं गए, शाहिद आफरीदी नहीं गए, आई डोंट नो यूनुस खान इधर हैं नहीं हैं, लेकिन अगर होते भी तो शायद वो नहीं जाते, तो आप नहीं गए? यार देखो, मैं हमेशा थकावट उतार रहे थे सर अमेरिका से वापसी पर। वो बात नहीं है, मैं हमेशा देखता हूँ कि आपको इनवाइट किस तरह किया जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में जब से मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बहुत अच्छी तरह इनवाइट किया था, जब वसीम खान और क्या नाम था चेयरमैन का, मानी साहब, जब दो लोग पहला साल था, PSL का फ़ाइनल हो रहा था, तो उन्होंने मुझे दो टिकटें भेजी थी फ़ाइनल की, मुझे दो दफ़ा फ़ोन किया, तीन दफ़ा पूछा और गाड़ी का पास भेजा, तो मुझे लगा कि वाकई ये मुझे चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो मैं गया। उसके अलावा मैं कभी नहीं जाता, जितने भी चेयरमैन अभी तो कोई मैच कोई नहीं हो रहा, तो क्या आपको वो नहीं, जिस होटल में हो रहा था वहाँ का क्या, मेरा मतलब है रात के डिनर का टिकट वो भेज देते? नहीं, आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसलिए नहीं जाता, मुझे एक मैसेज आया था बस कि जी आप कॉर्डली इनवाइट। अमित राजा साहब का नहीं, वो मैनेजर हैं अरशद नेशनल स्टेडियम कराची, उनका एक मैसेज आया था, तो मैंने पढ़ा मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है। फिर उसके बाद किसी ने कोई बात ही नहीं की, मैं भी खामोश हो गया, मैंने कहा मेरे पास दूसरे काम बहुत हैं, इसलिए कि इस किस्म की मीटिंग्स में मैंने यही देखा है कि एक दफ़ा मैंने अटेंड की थी बहुत पहले, और उसमें भी लोग सारी फाइलें लेकर आए थे, सब अपनी जॉब्स के लिए बात कर रहे थे, कोई उस मीटिंग का फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया था, मैं उठकर वापस आ गया था। तो उसके बाद से मैं आज तक कभी किसी के चेयरमैन के बुलाने पे मैं नहीं जाता। स्टैंडर्ड हाई है सिकंदर बख्श साहब आपके, मेरा ख्याल है कि एक